दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं यूट्रोफिकेशन। एक्चुअली ये जो यूट्रोफिकेशन है, ये भी एक केस स्टडी ही है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है ना। तो ये भी कारण किसका है, वाटर पोल्यूशन के कारण ही होता है ये भी, और वो कैसे है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, एक्चुअली वाटर के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आप दोबारा से सुनिए, ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट देखिए न्यूट्रिएंट्स का बेटा क्या हुआ, इनरिचमेंट हुआ है कहां पर, इन वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज। पॉइंट क्लियर। जब वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हुआ, और ये न्यूट्रिएंट क्या थे, ये न्यूट्रिएंट हैं जो बहुत सारे होते हैं वैसे तो, ये न्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फर है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन जो अहम है वो है एक तो नाइट्रोजन और दूसरा है फॉस्फोरस, ठीक है। क्या बताया, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या हुआ, दोबारा देखिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का वाटर बॉडीज में एनरिचमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ है। अब आप एक बात सोचिए, ये क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस, ये एक फर्टिलाइजर होते हैं, एक बार ध्यान दें। अगर इनको हम खेत में डाल देते हैं, क्रॉप बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करती है और क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही ये जो न्यूट्रिएंट्स अब की बार वाटर बॉडीज में इंक्रीज हुआ है, तो वाटर बॉडीज लाइक एक एग्जाम्पल ले लीजिए लेक, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया लेक का, तो उस लेक के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे हमने बताया क्रॉप फील्ड में, क्रॉप में फर्टिलिटी, सॉरी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि सोयल में डाले। ऐसे ही अब की बार ये कहां गए बेटा, वाटर बॉडी में, लेक में, तो लेक की भी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ लेक, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे ही लेक में डाले, या फिर किसी भी कारण से वो रन ऑफ वाटर से या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से वो पानी में गए, तो क्या हुआ, उस लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई। बेटा फील्ड में तो क्रॉप ग्रो करती है, यहां क्या ग्रो होंगे, यहां कुछ फाइटो प्लैंक्टोन्स ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, कुछ एल्गी ग्रो हो जाएगी, यहां पर कुछ एल्गी ग्रो हो गई, एल्गी ग्रो हो गई बहुत ही मैक्सिमम ग्रोथ रेट से, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट से। और इस एल्गी का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पेशल एग्जाम्पल, दैट इज वाटर हाइसिंथ, ठीक है। एक्चुअली ये जो वाटर हाइसिंथ है, इट इज नॉट नेटिव, ये हमारा नहीं है इंडिया का, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर ये वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एज ये इंट्रोड्यूस किया वाटर हाइसिंथ इंडिया में क्यों, बात ये आई, ठीक है ना, वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स मॉव कलर्ड फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर थे, इसलिए वाटर हाइसिंथ को लाया गया और ये यहां पर हमने ग्रो किया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई,
तो एग्जाम्पल हमने दिया कि वाटर हाइसिंथ जैसी कुछ एलगी बहुत ही फास्ट रेट से ग्रोथ करती हैं और पूरे के पूरे वाटर बॉडी को कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है ना। कैप्चर्स वाटर बॉडी, वाटर बॉडी को क्या कर लिया, पूरे को कैप्चर। एंड दिस इज नोन एज एल्गल ब्लूम, ये प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम ऑल्सो, ठीक है। और क्या बोल दिया बेटा हमने, ये एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है हमने लेक में जानबूझ करके जो है ना इंट्रोड्यूस नहीं किया था, एज ए कंटामिनेंट, एज कंटामिनेंट ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां जाकर के क्या कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी वाटर की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, लेक की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और वहां पर क्या ग्रो हो गई, बहुत सारी मात्रा में एल्गी, और इसको क्या बोल दिया हमने, एल्गल ब्लूम बोल दिया। क्या बोल दिया, एल्गल ब्लूम। एक और बात, अब क्या हुआ कि जैसे ही वाटर बॉडी के अंदर ये ग्रोथ हुई इसकी, वाटर हाइसिंथ की, तो क्या करेगा कि वाटर जितना भी है, वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, इन वाटर जो भी जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ये टेक अप कर लेता है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, इट टेक्स अप वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ टेक्स अप डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिजोल्ड ऑक्सीजन जो भी है वो सारी सारी क्या कर ली इसने, टेक अप। नाउ द वाटर बॉडी इज, बोलिए बेटा, सारी ऑक्सीजन इसने कैप्चर कर ली है और टेक अप कर ली है, तो वाटर बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी, इज O2 डेफिशिएंट। समझ में आई बात, अब ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। अब मछली रहती है पानी में, तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन फिश जो है गेट्स डाइड और फिश मोर्टेलिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब जितनी भी मछलियां थी वहां पर क्या हो गई, मर गई, और जितनी भी एक्वेटिक, एक फिश का एग्जांपल दिया है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डाई, गैट्स डाइड, इसलिए इसको यूट्रोफिकेशन को, दैट इज द रीजन यूट्रोफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक, क्या बोलते हैं इसको, एजिंग ऑफ लेक, ठीक है। दोबारा सुनिए बेटा, एजिंग ऑफ लेक और यूट्रोफिकेशन जो है क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन द वाटर बॉडी। न्यूट्रिएंट है बेटा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जब ये लेक के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कुछ एल्गी जैसे कि वाटर हाइसिंथ बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो करती हैं और पूरे पूरे जो वाटर बॉडी है उसको कैप्चर कर लेती हैं, और जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो सारी सारी कैप्चर कर लेती हैं, और इस वजह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वाटर बॉडी में रह रहा था वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इसको हम एजिंग ऑफ लेक भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एजिंग ऑफ लेक। अब बेटा जो यूट्रोफिकेशन है ना, ये कैसे हो रहा है, उस बेस पर इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन।
ये बेटा एक्चुअली नेचुरल तो क्या है, नेचर में ऑलरेडी भाई कहीं से रन ऑफ वाटर से या फिर कुछ दूसरे कारण से जो है ना वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट इंजेसमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड में क्या बताएंगे हम कि इट इज एक्सीलरेटेड, ठीक है ना, इट इज एक्सीलरेटेड। और इसको ना कल्चरल भी बोलते हैं, क्यों, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, बिकॉज इट इज ड्यू टू ह्यूमन बींग, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बी क्या करता है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, वो जब प्रोसेसिंग के दौरान क्या होते हैं केमिकल्स को यूं ही रन ऑफ कर दिया जाता है इन द वाटर बॉडीज थ्रू कैनाल्स और थ्रू जो वाटर बॉडीज हैं उनके पास में पाइप के थ्रू उनका जो वेस्ट है वो भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है और क्या हो जाती है वो वेस्ट वाटर हो जाता है और नेचुरल एजिंग, और ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड एजिंग, ठीक है, ऑफ लेक। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं अब, वो है हीट किस प्रकार से वेस्ट वाटर को जो है ना जनरेट करती है, ठीक है, हीटेड और थर्मल, हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर। बेटा देखिए एक बात बताइए, जितना भी अमाउंट ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में ज्यादा रहेगी, उतना ही पानी क्या रहेगा प्योर शुद्ध रहेगा, लेकिन जितनी ही ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज इन ओ टू, डिक्रीज इन ओ टू कंसंट्रेशन, ठीक है, इम्प्योरिटी भी क्या होती जाएगी बेटा इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए जैसे ही हम वाटर को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है, ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या होगा, वाटर क्या होगा इम्प्योर, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन है उतना ही ज्यादा क्या रहेगा वाटर आपके पास में शुद्ध रहेगा। अब देखिए हीटेड और थर्मल वेस्ट ये कैसे हुआ, आपको पता है कि वाटर इज यूज्ड, हीटेड वाटर बोले आप सिंपल नहीं, हीटेड वाटर इज यूज्ड टू जनरेट क्या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर को हीट करते हैं, स्टीम बनाते हैं ताकि टरबाइन चल सके, तो इस प्रोसेसिंग के दौरान वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये क्या हो गया वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे आपको यूं पता है बेटा, देखिए जैसे ही पानी को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या होता है हाई टेम्परेचर हुआ तो दिस हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है, और क्या होता है इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, ठीक है, और कोजिस डैमेज टू इनडाइजेशन फ्लोरा एंड क्या बताया है एट कोजिस डैमेजेस टू इंडिजिनस क्या होते बेटा लोकल, हमारी जो लोकल जो प्लांट फ्लोरा एंड फौना प्लांट और एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं ये डैमेज, तो लोकल हमारे फ्लोरा एंड फौना उनको क्या करते हैं ये डैमेज, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके लिए हैं, ये हीटेड और थर्मल वेस्ट के लिए, ठीक है बेटा। तो ये था आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूट्रोफिकेशन, उसी के साथ हमने एक छोटा सा पॉइंट और किया, हीटेड और थर्मल वेस्ट किस प्रकार से हार्म करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ, और कोई पॉइंट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इतना जरूर कहूँगा कि सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास में नेक्स्ट
लेक्चर की जो वीडियो है वो पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। ओके, थैंक यू।